नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूं पूनम जायसवाल। देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए सीआईडी न्यूज चैनल पर। चैत्र नवरात्रि पर 9 दिवसीय गरबा आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम नामली के पास नीलकंठ धाम घटवास गीतांजलि गौशाला पर स्थित अति प्राचीन मंदिर मां त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी माता जी मंदिर प्रांगण में चैत्र नवरात्रि महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माता रानी के 9 दिवसीय गरबे का आयोजन हुआ। वहीं विजयादशमी को प्राप्त काल जवारे विसर्जन किए गए और गरबा महोत्सव को विश्राम दिया गया। इस दौरान माता रानी त्रिपुरा सुंदरी की महाआरती की गई। नवरात्रि गरबा महोत्सव जवारा विसर्जन संयोजक मां जगत जननी मां त्रिपुरा सुंदरी माताजी भक्त मंडली गटवास के द्वारा आयोजन को संपन्न किया गया। उक्त जानकारी श्री गुरुदेव हरीश जी व्यास नीलकंठ धाम घटवास जिला रतलाम द्वारा दी गई। नागदा खाचरोद से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से मैं बहुत परेशान हूँ। घर में सब कह रहे हैं कि अस्पताल में एडमिट हो जाओ। प्लीज बताइए कि मेडिकल हेल्प कब लेनी चाहिए। हौसला बनाए रखिए, याद रखिए कोरोना के ज्यादातर पॉजिटिव पेशेंट घर में खुद को आइसोलेट करके ठीक हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया, अपना टेम्परेचर और ऑक्सीमीटर की रीडिंग लेते रहिए। ऑक्सीमीटर की रीडिंग में अगर आपका बेसलाइन सैचुरेशन 94% से कम है या फिर 6 मिनट टहलने से पहले और बाद की ली गई रीडिंग में 4% या उससे ज्यादा की गिरावट आती है तो तुरंत अस्पताल से संपर्क करें। साथ ही आप बेड पर पेट के बल लेट जाएं, यानी पेट नीचे और पीठ ऊपर। इससे ऑक्सीजन के लेवल में सुधार होगा। डॉक्टर साहब, एक पॉजिटिव पेशेंट को कौन सी दवा लेनी चाहिए? देखिए, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ठीक है और बुखार के अलावा और कोई समस्या नहीं है तो आपको केवल पैरासिटामोल और खुश रहने की जरूरत है।